मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एक काफी इम्पोर्टेंट रिमाइंडर जो है वो यहाँ पर आज आपके सामने निकल के आने वाला है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, स्मॉल टैक्स पेयर्स जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर हैं और उन्होंने अगर इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर अच्छी खासी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी जो है वो बन सकती है। क्या है पूरी बात, आइए एक बार समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जीएसटी के अंदर जो जीएसटी का अमाउंट है, जी हाँ फ्रेंड्स, जो जीएसटी का टैक्स आपको पे करना होता है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए पेएबल हो जाता है। जैसे आपने अप्रैल 23 में जो भी सप्लाई करी है, वो सप्लाईज के ऊपर जो जीएसटी का अमाउंट है वो पेएबल होता है। और इसको पेएबल किस दिन मान लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो कानून, वो रूल्स, वो प्रोविजंस गवर्नमेंट ने दे रखे हैं सेक्शन 12 के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में। इसमें सेक्शन 12 जो हमारा है वो बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की, जिसमें क्या बातें इसमें बताई गई हैं समझिएगा, तभी आपको समझ आएगा कॉम्पोजिशन के लिए क्या बात नहीं रखी गई है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। लेट सपोज आपने गुड्स को सेल किया है और आप हैं कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, आप हैं कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, आपने जो गुड्स सेल किया वो आपने किया है 29 मई 2023 को, आपने सेल या सप्लाई करा है 29 मई को, और आपने इनवॉइस भी बना दिया 29 मई 2023 को। लेकिन इस पर्टिकुलर सप्लाई के लिए जो आपने पेमेंट रिसीव करी है वो करी है लेट सपोज 1 अप्रैल 2023 को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने गुड्स की सप्लाई करी है 29 मई 2023 को, लेकिन आपने उस गुड्स की जो पेमेंट है वो रिसीव कर ली है 1 अप्रैल 2023 को। तो इस सिचुएशन में जो आपका पेमेंट निकल के आएगा, जो आपकी जीएसटी की टैक्स लाइबिलिटी पेबल आएगी, वो कब आएगी? क्योंकि यहां पर आप सबको ये पता है कि आपने अगर एडवांस रिसीव किया है तो आपको जीएसटी पे नहीं करना होता। लेकिन जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन 12 है वो कहता है कि आपके लिए गुड्स के केस में अगर आपने माल बेच दिया और उसका जो इनवॉइस है उसकी डेट, यानी कि डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट 29 मई या 1 अप्रैल 2023, इस दोनों डेट में जो डेट अर्लियर होगी उसी डेट को गवर्नमेंट मान के चलेगी कि आपका जीएसटी जो है वो पेएबल हो चुका है, और जिस महीने आपका जीएसटी पेएबल हो गया उसके अगले महीने या अगले टैक्स पीरियड में, चाहे वो मंथ हो या क्वार्टर हो, 18 या 20 तारीख तक आपको अपनी टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो पे करनी होती है। अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो 18 तारीख तक, अगर रेगुलर मंथली वालों की बात करते हैं तो वहां आती है 20 तारीख वाली कहानी। तो अब यहां पर एक सिचुएशन ऐसा है कि अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो रेगुलर टैक्स पेयर वालों के लिए ये जो पेमेंट के ऊपर जीएसटी बात करता है कि अगर आपने पेमेंट पहले कर दिया है तो उस अर्लियर डेट को ही मान लिया जाएगा आपके टाइम ऑफ सप्लाई के पर्पसेस के लिए। उसमें एक स्पेशल प्रोसीजर गवर्नमेंट ने दिया है, और उस स्पेशल प्रोसीजर के नोटिफिकेशन को जब आप पढ़ेंगे इसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी है जो कि कॉम्पोजिशन वालों को काफी इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। जो हमारा जीएसटी का फुल लाइव कोर्स चल रहा है ना, उसके अंदर भी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट में
आप लोगों को जानकारी दी है और इसी तरीके की कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको जीएसटी के अलग अलग सेक्शन से रिलेटेड, रूल्स से रिलेटेड, प्रैक्टिकली कैसे उसको अप्लाई करना है वो दिया जा रहा है। अगर आपने अभी तक इन कोर्सेज में एनरोल नहीं कराया है तो जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। अभी आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो होली के उपलक्ष में दिया जा रहा है। रिकॉर्डिंग्स आपको पूरे सेशंस की अवेलेबल करवा दी जाएंगी। रिकॉर्डिंग्स आप अगले एक साल तक देख सकते हैं विदाउट एनी लिमिट। तो जल्द से जल्द आप इस कोर्स का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं, जिसमें हम लोग अपील, फाइलिंग, नोटिस, रिप्लाई सारी चीजें कवर करने वाले हैं। अब यहां पर जो हमारा सेक्शन 12 के अंदर ये नोटिफिकेशन है वो क्या कहता है, यहां पर नोटिफाई किया गया है ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन लेवी। यानी कि अगर आप कॉम्पोजिशन लेवी में हैं तो ये जो बेनिफिशियल नोटिफिकेशन है इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। बेनिफिट है क्या, जो पर्संस रजिस्टर्ड हैं अदर देन कॉम्पोजिशन उनको क्लास ऑफ पर्संस मान लिया जाएगा हु शैल पे द सीजीएसटी ऑन द आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 12(2)(a)। इसमें एक सिंपल सी लाइन ये समझिए, 12(2)(a) कहता है कि आपका जो इनवॉइस का डेट है और आपके लिए जो लाइबिलिटी ड्यू डेट ऑफ जनरेटिंग इनवॉइस है उस दोनों दिन में जो अर्लियर डेट होगा वो मान ली जाएगी। यानी कि यहां पर पेमेंट वाला जो क्लॉज है 12(2)(b) उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां पर आपको ये जरूरत तब नहीं पड़ेगी जब आप अदर देन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर में रजिस्टर्ड हैं। तो इस एग्जाम्पल में आपने चूंकि क्वार्टरली फाइलिंग करना है, पेमेंट करना है टैक्स का, और आपका टाइम ऑफ सप्लाई हमारे एग्जाम्पल में सेम क्वार्टर में है तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन एक बार के लिए आप समझिए कि अगर आपने ये सेल करी होती, अगर आपने ये सेल करी होती लेट सपोज 1 जुलाई 2023 को आपने सेल करा, इनवॉइस बनाया 1 जुलाई 2023 को, लेकिन इसका पेमेंट आपने रिसीव कर लिया है 30 जून 2023 को, तो यहां एक दिन के चक्कर में पूरा क्वार्टर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा और आपकी लाइबिलिटी जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगी ना कि सेकेंड क्वार्टर के अंदर। क्योंकि सेकेंड क्वार्टर में आपने इनवॉइस बनाया लेकिन अर्लियर डेट कौन सी है, फर्स्ट क्वार्टर की, जिस दिन आपने पेमेंट जो है वो रिसीव कर ली है। तो इन दोनों में से जो अर्लियर डेट होगा वो होगा 30 जून, यानी कि अप्रैल टू जून के अंदर आप जब CMP 08 भरेंगे 18 जुलाई को आपको लाइबिलिटी पे करनी है। लेकिन आप कब कर रहे हैं, जब आप इनवॉइस बना रहे हैं 1 जुलाई 2023 को, यानी कि 18 अक्टूबर 2023। तो यहां पर आप देख रहे हैं कितना लंबा गैप हो जा रहा है, इसका इंटरेस्ट इंपैक्ट जो है आपके ऊपर तगड़े रूप से आएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको आने वाली है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपको समझ आ गया होगा कॉम्पोजिशन वालों को किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करके चलना है। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है ले सकते हैं, जिसमें मार्च महीने के अंदर 49th जीएसटी काउंसिल मीटिंग की कंप्लीट एनालिसिस आपको प्रोवाइड करी जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।